ये कहानी है ड्रैगन्स के जमाने की। एलिगेसिया नाम की जगह पर ड्रैगन्स और उनके राइडर्स का राज था, लेकिन धीरे धीरे राइडर्स में आपसी फूट पड़ने लगी, जिसका फायदा उठाया गैल्बिटोरिक्स ने। गैल्बिटोरिक्स, जो उन सब राइडर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसने अपने साथियों को मारकर उस जगह पर अपना हुकूमत कर लिया। उन राइडर्स में कुछ जातियां वार्डन्स की थी, उसमें से कुछ लोग किसी तरह से बच गए और छुपकर अपने मौके की तलाश करने लगे। वे इंतजार करने लगे ऐसे व्यक्ति का जो गैल्बिटोरिक्स की तानाशाही को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। हमारी कहानी उस रात से शुरू होती है जब आर्या, जो कि वार्डन्स की एक साथी है, गैल्बिटोरिक्स से एक अनमोल पत्थर लेकर भाग रही है। गैल्बिटोरिक्स उस पत्थर को लेने अपने गुलाम दुर्सा को भेजता है, जो काले जादू का स्वामी है। दूसरी ओर एक लड़का जिसका नाम इरेगन है, वह रात में शिकार पे निकला है। दुर्जा आर्या को घेर लेता है और उसे पत्थर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या अपने जादुई मंत्र से उसे दूसरी जगह पहुंचा देती है, जो कि इरेगन के सामने जाकर गिर जाता है। आर्या को दुर्जा बंदी बनाकर ले जाता है और इरेगन उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। आगे हम इरेगन के गांव को देखते हैं, जहां कुछ सिपाही गांव के नौजवानों को नए सिपाही बनाने के लिए ले जा रहा है। इरेगन के पास मटन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वह मटन बेचने वाले से पत्थर के बदले सौदा करता है, लेकिन वह मटन बेचने वाला वो पत्थर राजा का है कहकर उसे वापस दे देता है और वहां से भगा देता है। वहां से बाहर निकलते समय इरेगन ब्रॉम नाम के एक आदमी को देखता है, जिसे धमकी देकर कुछ सिपाही उसकी मुर्गियां ले जाते हैं। इरेगन अपने मामा और उनके बेटे लॉरेंस के साथ रहता है। वह घर आकर वह पत्थर छुपा देता है। इरेगन जब लॉरेंस के साथ होता है, तब लॉरेंस उससे कहता है कि अब वह जवान हो गया है, आने वाले दिनों में वे सिपाही आएंगे और उसे भी एक सैनिक बनाकर ले जाएंगे, इसलिए वह इस इलाके से भागने वाला है, जिससे वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। इरेगन के मामा भी उसे यह बात कहते हैं कि जब वह जवान होगा तो वह भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। अगली सुबह इरेगन अपने भाई लॉरेंस को अलविदा कहता है, फिर वह उस पत्थर के पास आता है। वह देखता है कि उस पत्थर से, जो कि एक अंडा था, उसमें से एक प्यारा सा नन्हा मुन्हा ड्रैगन का बच्चा बाहर आया है। वह जैसे ही उस ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरता है, ब्रॉम, आर्या और गैल्बिटोरिक्स को यह एहसास हो जाता है कि एक ड्रैगन पैदा हो गया है और उसके साथ एक मालिक भी। गैल्बिटोरिक्स का जादुई गुलाम दुर्सा आर्या से इरेगन का अपने मैजिक से पता लगाने की कोशिश करता है, और दूसरी ओर वह छोटा ड्रैगन एक ही रात में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गैल्बिटोरिक्स दुर्जा को इरेगन को ढूंढकर खत्म कर देने का आदेश देता है। अगली सुबह इरेगन देखता है कि उसके हाथ में उस ड्रैगन के आने से एक सिंबल उभर कर आया है। दूसरी ओर दुर्जा अपने काले जादू से कुछ भयंकर शैतानों को पैदा कर इरेगन को मारने के लिए भेजता है। शाम को इरेगन ब्रामो से ड्रैगन्स की कहानियां सुनता है, जिससे उसके मन में ड्रैगन्स के बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। अगली सुबह वह छोटे ड्रैगन को उड़ना सिखा रहा होता है कि वह ड्रैगन ऊंचे आसमान में जाता है और वह बिजलियों की चमक और रोशनी से एक विशाल ड्रैगन बनकर लौटता है, जिसे देखकर इरेगन चौंक जाता है। अब उस ड्रैगन में इतनी शक्ति आ गई है कि वे एक दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। वह ड्रैगन इरेगन को अपना नाम सफीला बताती है। रात में इरेगन ब्रामो के घर जाता है, वहाँ वह ड्रैगन्स की कहानियों की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन ब्रामो उसे इनकार कर देता है
और इरेगन गुस्से में वहां से चला जाता है। वह घर पहुंचने पर देखता है कि दुर्सा के वे भयानक शैतान उसके मामा से इरेगन का पता पूछ रहे होते हैं। वे शैतान इरेगन की तलाश में निकलते हैं। इरेगन वहां से भाग जाता है। इरेगन अपने मामा को बचाना चाहता है, लेकिन सफीला उसे वहां से दूर ले जाती है क्योंकि वे शैतान इरेगन को मारना चाहते हैं। वह किसी तरह जिद करके अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसके मामा की मौत हो जाती है। तभी ब्रामो वहां आता है और वह इरेगन के हाथ में ड्रैगन का निशान देख लेता है। वह समझ जाता है कि नया ड्रैगन राइडर इरेगन है। वह उसे मामा की लाश को जलाकर वार्डन्स की खोज में इरेगन के साथ निकल जाता है। रास्ते में वे कुछ देर के लिए रुकते हैं। वहां ब्रामो उसे अपने ड्रैगन से मिलाने की बात कहता है। इरेगन सफीला को अपने पास बुलाता है। ब्रामो उसे ड्रैगन की सवारी करने को कहता है क्योंकि वह जानता है कि जितनी जल्दी इरेगन जंग के लिए तैयार हो जाएगा उतना ही उन सब के लिए अच्छा होगा। ब्रामो उसे ड्रैगन के बारे में बहुत सी जानकारियां देता है और ड्रैगन को दूसरों की नज़रों से बचाने को कहता है, लेकिन दुर्सा के शैतान ड्रैगन्स को देख लेते हैं। ब्रामो इरेगन को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देता है जिससे वह जल्दी सीख ही जाता है। अगली सुबह वे लोग वार्डन्स के कबीले में पहुंचते हैं जहां दुर्सा के शैतानों का हमला हो जाता है। वे दोनों शैतानों से लड़ते हैं। तभी उनसे लड़ते लड़ते इरेगन एक मंत्र कहता है जिससे दुर्सा के शैतान वहीं ढेर हो जाते हैं। ब्रामो उसे बताता है कि ये सब ड्रैगन की शक्ति का कमाल है और वह उसे और भी मंत्र सिखाता है। तभी सकीला वहां आ जाती है और इरेगन उसकी सवारी करने लगता है। ड्रैगन की सवारी करते वक्त इरेगन देखता है कि ब्रामो का दुर्सा के सैनिक पीछा कर रहे हैं। वह ड्रैगन के साथ उन पर हमला कर देता है जिसमें सफीला घायल हो जाती है। वे दोनों उसका इलाज करते हैं जहां ब्रामो इरेगन से कहता है कि वह एक ड्रैगन राइडर था। मोरसेन नाम के ड्रैगन राइडर ने एक तलवार से उसके ड्रैगन की हत्या कर दी थी। वह यह भी बताता है कि अगर किसी ड्रैगन की मौत होती है तो उसका राइडर जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि ड्रैगन राइडर किसी कारण से मारा जाता है तो उसका ड्रैगन अपने आप ही मर जाता है। इसलिए ब्रामो को ड्रैगन से ज्यादा इरेगन की चिंता थी क्योंकि वही उनका मसीहा है जो कि दुर्सा और गैल्विटोरिक से उन्हें छुटकारा दिला सकता है। आगे हम देखते हैं कि दुर्सा इरेगन को पकड़ने के लिए आर्या के पास जाकर अपनी जादुई ताकत से इरेगन को सपना देता है कि वह दुर्सा की कैद में है और वह आकर उसे बचा ले। इरेगन ब्रामो के मना करने पर भी वहां चला जाता है जहां वह दुर्सा के जाल में फंस जाता है। दुर्सा इरेगन को मारने ही वाला होता है कि ब्रामो वहां आकर उसे बचा लेता है और खुद भी घायल हो जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम मथाक है दुर्सा से बचने में उनका साथ देता है और उन्हें वहां से निकल जाने को कहता है। ड्रैगन के साथ वे तीनों वहां से निकल जाते हैं। ब्रामो बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए मरने से पहले वह अपनी तलवार उसको जीत के लिए दे देता है। इरेगन कुछ मंत्र से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह वे तीनों ब्रामो को अंतिम सलामी देते हैं। आगे बढ़ते वक्त आर्या दुर्सा के किसी जादू से वह घायल होकर गिर जाती है। आर्या इरेगन को वार्डन्स ले जाने का रास्ता दिखाती है। तभी सफीला उस लड़के को लेकर आती है जिसने उनकी जान बचाई थी। वह लड़का उन्हें वार्डन्स के पास ले जाता है। दूसरी ओर गैल्विटोरिक्स दुर्सा की नाकामयाबी से गुस्सा होकर उसे अंतिम मौका देता है। कुछ देर में इरेगन और मथाक वार्डन्स के सरदार एजिहाद के पास पहुंचते हैं।
वह उन्हें ड्रैगन दिखाने को कहता है। इरेगन सफीला को वहां बुलाता है और सरदार को यकीन हो जाता है कि इरेगन ही वह राइडर है जो दुश्मनों को हराने में उनका साथ देगा। एजिहाद आर्या का इलाज कराने की बात कहता है। वे मथाक को बंदी बना लेते हैं क्योंकि मथाक मोरसेन का बेटा था जिसने ब्रामो के ड्रैगन को मारा था और जो कि दुश्मनों का साथी था। थोड़ी देर में दुर्सा के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर दुर्सा के सैनिक वार्डन्स पर हमला कर देते हैं। इरेगन भी अपने ड्रैगन सफीला के साथ उन शैतानों पर हमला कर देता है। दुर्सा अपने शैतानी ताकत से वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह एक जादुई ड्रैगन में बैठकर इरेगन से लड़ाई करता है। दुर्सा का जादुई ड्रैगन सफीला को बुरी तरह से घायल कर देता है। सफीला गिरने ही वाली होती है कि इरेगन उसे हिम्मत देकर कुछ देर लड़ने को कहता है और इरेगन अपनी चालाकी से दुर्सा के सीने पर जादुई तलवार घोंप देता है जिसके कारण दुर्सा मारा जाता है। इरेगन ऊंचाई से गिरने ही वाला होता है कि सफीला उसे बचा लेती है जो कि पहले से ही बुरी तरह से घायल है। इरेगन कुछ मंत्रों का उच्चारण करके सफीला को बचा लेता है और वह बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वह मथाक को अपने पास देखता है जिसे वार्डन्स ने आजाद कर दिया था। वह सफीला को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और सफीला की सवारी करके आर्या के पास जाता है। आर्या अपने कबीले की राजकुमारी बन जाती है। इरेगन आर्या से फिर मिलने का वादा करके ड्रैगन के साथ वहां से चला जाता है। और कहानी के अंत में हम गैल्बिटोरिस को देखते हैं जो कि एक खूंखार ड्रैगन्स के साथ युद्ध की तैयारी में है और मूवी का यह भाग यही समाप्त हो जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमें दूसरे सीजन का इंतज़ार करना होगा। तब तक अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।